नमस्कार दोस्तों डिफेंस शो में आपका स्वागत है नाउ ये खबर सुनकर ना आप कहेंगे वाह ये है खबर मेरा मतलब है खबर तो है ही लेकिन बहुत अच्छी खबर है ऐसी खबर सुनने को बहुत कम मिलती है कैसे पासे पलट चुके हैं भारत के हथियार अब यूएस में बिक रहे हैं और ये कौन सी कंपनी है और क्या बेच रही है ये और क्या कुछ हुआ है और इसके अलावा चीन का इस मैटर में कैसे इन्वॉल्वमेंट है ये सारी बातें आपको बताता हूं वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम यहां पर दुनिया भर की खबरें खासकर डिफेंस की इंटरनेशनल जियो की खबरें डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे से डिस्कशन होते हैं

कोई भी प्रोडक्ट हो सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो इनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट में दुनिया भर में ना अमेरिका सबसे आगे रहता भारत का जी मैं ये कोई बड़ा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात है ये हम दुनिया भर में फैल रहे हैं और ऑलरेडी हमारा जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है ये दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है हम ऑलरेडी कई बड़े देशों में लॉन्च कर चुके हैं इसे फ्रांस में Saudi'ye, UAE'ye. और छोटे छोटे देश जो हमारे पड़ोसी है वहां तो हो ही चुका है तो ये एक भारत की बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है और इसके अलावा मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूं तेजी से काम हो रहा है हमारी जो जी ग्रोथ रेट है उसकी भविष्यवाणियां होती है बड़े बड़े संगठन जो कहते हैं कि जी भारत इतने रेट से बढ़ेगा इतनी परसेंटेज से बढ़ेगा तो हर बार भारत ना पिछले कुछ सालों से इनको चौकाता हुआ आ रहा है सरप्राइज कर देता है और ये कहते हैं कि जी साढ़े से ग्रो करेगा तो हम सात

अगेन हथियार से मेरा मतलब यह नहीं कि सिर्फ मारने के लिए हथियार चाहिए वेपन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप डिफेंस या ऑफेंस के लिए इस्तेमाल करो तो वो एक तरह से वेपन होता है तो अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है यू यानी कि ड्रोन के लिए जी हां मैं ये बड़े मिलिट्री ड्रोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ ये जो सिक्योरिटी के लिए ड्रोन होते हैं कंस्ट्रक्शन मैपिंग के लिए जो ड्रोन यूज किए जाते हैं इस तरह के यूएवीज़ की जो रेस्क्यू मिशन में यूज किए जाते हैं कहीं आग लग जाए तो वहां भी इन्हें भेजा जाता है तो इस तरह के यूएवीज़ का एक बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका नाउ यहां पर ना चीन कुछ समय पहले तक कब्जा जमा कर बैठा हुआ था तो ये सस्ते दामों पर अमेरिकन को ड्रोन बेचते थे लेकिन फिर आपको पता ही है कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी अमेरिका के और चाइना के बीच में और अमेरिका ने ऑलरेडी चाइना को पूरे मार्केट से ही निकाल दिया था तो अब बहुत कम इनके प्रोडक्ट्स यहां पे बिकते हैं ना इसी गैप को फिल करने के लिए ना भारत ने बाजी मार ली है बल्कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने बाजी मार ली है जी हाँ अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते सुधर जाने से भारतीय कंपनी को एक खुलकर रास्ता मिल गया है अमेरिकी मार्केट का हमारी एक कंपनी है आइडिया फोर्ज करके शायद आपने इसके बारे में भी हो लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसके बारे में ये भारत में ही नहीं दुनिया में जो ड्रोन बनाने वाली टॉप कंपनी है।, है और इनके बहुत अच्छे अच्छे तो खबर ये निकल कर आ रही है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी है आइडिया फोर्ज ये जा रही है यूएस मार्केट में चीनी कंपनियों को बैन कर रहा है लेकिन भारत की कंपनी ने एक बहुत अच्छा मौका यहां पर देखा है और यूएस में भी